और वहाँ पे दुल्हन को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। काफी सारी आंटियां मजे करने वाली, यहाँ पे ढोलक बजेगा, डांस होगा। और आइए, शादी से पहले एकदम खूब मन में लड्डू फूटे जा रहा है। मैं कैप्चर कर कहाँ पे हुए, मेरे भी तो शूज लेने जाना है, कितना कुछ करना है। शूज बड़ी होती है कि लहंगा बड़ा होता है? अभी तो अभी दोपहर के बज रहे 2, और अगर आप सोच रहे कि मैंने फेस पे क्या लगाया, तो ये है पिंपल क्रीम। मुझे थोड़े से पिंपल्स आ रहे थे, तो अब कल है हमारा बिग डे, तो उसके पहले थोड़े से बैठ जाने चाहिए, इसलिए लगाया है। और यहाँ पर मेरे सारे रिलेटिव आ गए, सब लोग खाना खा रहे हैं। अभी हमारे टेरेस पे हम लोग ने सारा अरेंजमेंट किया खाने का। यहाँ पर पृथ्वी भी आ गया, पृथ्वी हाय कर तो भाई एक बार। हाँ, लिंडा आ गया। अगर अगर ज्यादा पृथ्वी आपको पता नहीं होगा तो लिंडा आ गया है। यहाँ पे हमारे हीरो भी खाना खा रहे हैं, और कैसा खाना, ठीक है? दाल चावल तो तुमको पसंद नहीं है, दाल चावल फॉर लाइफ। तो राहुल कुछ बोलना चाहता है शायद, है ना? क्या सीन है तुम्हारा, बताओ। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, सौलत है, इज्जत मैंने बहुत शादियाँ देखी, ये जेन्युइन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है तो वो बस बता रहा हूँ। बहुत शादियाँ देखी हो, बट पहली बार मुंबई की शादी में एक्सपीरियंस करने वाला हूँ मैं, और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। मम्मी तो ज़्यादा, वो तो डांस प्रैक्टिस कर रही है मस्त है। हाँ, वो लोग का तो मस्त डांस कर रहे हैं। जानते बताना है कि आप कितना एक्साइटेड हैं। बहुत ज़्यादा। और मैंने आंटी का वो देखा था, वो वेलकम डाच तुम्हारे, वो एकदम कड़क वो डाले थे, जो आंटी ने वेलकम किया था। तो आज पूरी फैमिली एकदम मस्त टुगेदर हो गई, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे कौन है, पूरा फैमिली एक साथ मिलते मज़ा आता है। बहुत बड़ी फैमिली है हमारी, बहुत ज़्यादा बड़ी। आज शाम को आओ, देखो आज शाम को ना, आज सबसे मिलवाता हूँ वापस, क्योंकि शाम को सब लोग मस्त रेडियो के आने वाले, यहीं पे मम्मी का लेडी संगीत वाला फंक्शन है, तो वो होगा और सब लोग एकदम जोश में रहेंगे, मस्त नाचेंगे नाचेंगे, तो वो भी आपको देखने मिलेगा पूरा। क्या क्या होता है, कैसा रिसर्च होता है ना पूरा, वो भी दिखाएंगे। और उसके बाद वो वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन देखा आपके पास, तो वहाँ पे हम लोग सब लोग रहेंगे, चिल करेंगे, डांस करेंगे, वहाँ पे डीजे है, और वहाँ पे लाइट वाइट है, तो हम लोग डांस वास्त तो वहाँ से इन्जॉय करने वाले हैं। और बस इतना ही, वहाँ पे दुल्हन को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। तो बताइए, हमारे दूल्हा बाबू एकदम मस्त आपके साथ में इंट्रोडक्शन करवा के दे रहा हूँ, अभी पहली बार मिलते हैं, मतलब इतने दिन से आप भी पहली बार मिला रहे हो, मतलब हम लोग जाते नहीं थे ना गाँव, जैसे गाँव से जाते लोग यहाँ पर आते नहीं थे, जुड़ते हैं जल्दी। पंखवा बंद कर दिए ना थोड़ा। शादी में कितना फॉर्मेलिटीज निभाना होता है, कितने सारे जो हम लोग के वहाँ पे तो कहते हैं कि एकदम नियम करने पड़ते हैं, अब महाराष्ट्र का क्या देख लेंगे इस बार, कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। मस्त है ना, पाव लागे जी, मम्मी जी नमस्ते। यही तो एक ऐसा मोमेंट होता है, जो लोग एक साथ मिलते हैं, सब फैमिली एक दूसरे को जानते हैं, और रात में लेडी संगीत भी होने वाला है, तो लोग वहाँ पे भी एकदम मस्त हो ही जाएगा इंट्रोडक्शन अच्छे से। और वहाँ बैठ गई है अपनी सासू माँ के साथ। मेरा आदत पड़ करते रहता हूँ।
और मामा जी बढ़िया। अच्छा कैसे हो भाई? देख रहे भाई इसको बच्चा? हाँ मैं एकदम बारीकी से निकल रहा हूँ। और एक साथ वापस से आ गए हम। ओए दुल्हन कैसा लग रहा है सासू माँ के बाजू में बैठ के? बहुत अच्छा। आप लोग सब लोग बोलते रहते हो कि आप आंटी आंटी क्यों बुलाते हो, आज से मैं बुलाऊंगी। कहाँ बुलाऊं? सासू माँ, मम्मी मम्मी। और काफी लोग बोलते हो हम लोग मराठी में क्यों बात करते, क्योंकि हम लोग बचपन से मराठी में बात करती थी, तो अभी मैं हिंदी में बात करने ट्राई करूंगी। मराठी तो आंटी को मराठी। आंटी का इंट्रोडक्शन देखा क्या आज? देखा मैंने। आंटी आंटी का चैनल बनेगा और उसमें एक्टिंग होगा, सास वर्सेस बहू। ओके तो आज शाम में क्या है? हम भी खा रही हो आज शाम में हमारी मेहंदी है, दो बार मेहंदी होने वाली है। आज मेन तो मेन आंटी लोगों का लेडी संगीत है, काफी सारी आंटियां मजे करने वाली है। यहाँ पे ढोलक बजेगा, डांस होगा और आंटी गाना भी बहुत अच्छा गाती है। गाना भी गाएगी और आंटी थोड़े से डांस भी लगाएगी। वो होगा और वहाँ पे मेहंदी होगी, थोड़ी सी मेहंदी होगी, जिनको मेहंदी लगानी आज लगा सकते हैं। फिर कल वापस मेन्यू पे होगा, जहाँ पे मेरी इनकम्प्लीट मेहंदी आज जितनी लगी उतनी लगी थी, बची हुई कल लगाएंगे। अच्छा, आज मेन मेहंदी है या कल? दोनों मेन है यार, जब 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 मेहंदी लगी है तो मेन है, और उसके बाद फिर इवनिंग में हमारे एंगेजमेंट एंड ऑल, वो आप सबको देखने मिलेगा। तो बस बने रही है, और मुझे पता नहीं राहुल ने और क्या क्या बताया। मैंने अभी आ रहा है, मैंने सबसे इंट्रोडक्शन करवाया और आंटी ने हाय भी बोला, मतलब बस नॉर्मल बातें चल रही है, जितने फैमिली लोग हैं। खाना मेरा खाना हो गया, खाना बहुत टेस्टी। क्या मुस्कुरा रही है? शादी से पहले एकदम खूब मन में लड्डू फूटे जा रहा है, मैं कैप्चर कर रहा हूँ सब कुछ। हाँ खुद ही मुस्कुरा रही है और खुद ही एकदम चुप भी हो जा रही है। क्या बात। हाँ बस अभी और रात में भी और धमाल। नहीं आया? आने वाला है, देखते अभी। अरे रे रे रे, रुको। तो मतलब आपने किसको बोला था? ये आ रहा है, वो एक जगह से आ रहा है, बांद्रा से आ रहा है। अच्छा अच्छा, बस बस सही टाइम पे पहुंचा देगा ना? पहुंचाना तो चाहिए यार। नहीं पहुंचाएगा तो जाएंगे ना हम लोग। तो यहाँ पे दोनों एकदम क्या खुसुर फुसुर किया जा रहा है, और उनका मुंह क्यों उतरा हुआ एकदम? अरे अभी बहुत है, मतलब बहुत काम पड़ जा रहा है। अच्छा, लहंगा अभी तक नहीं आया है। कल तू गन का लहंगा नहीं आया, मेरा तो छोड़ ही दो। नहीं बोला था कल आएगा, उन्होंने बोला था, मैंने करण को बोला था आप जाके लेके आओ, करण गया नहीं, और अभी उन्होंने अभी तक भेजा नहीं है। बोल रहे रुको भेजते हैं, और उनको कुछ अभी तक फिटिंग्स चल रहा है, मतलब कल ही जाते तो अच्छा होता था। ये मतलब थोड़ा सा लगता है शादी के एक दो दिन पहले सब कुछ आ जाना चाहिए, क्या फिटिंग होता है क्या नहीं होता है। रुको मैं करण भैया को बुलाता हूँ। दो दिन पहले अगर आए ना तो वो पहन के देंगे ना, परफेक्ट सिला की नहीं तो फिर से देना पड़ेगा। बट आप टेंशन मत ले, समझे कि नहीं, लेके आते अपन लोग कहीं से भी वो खोज के आते हैं, समझे कि नहीं। वो लग रहा है वो तो बात कर रहा है, लग रहा है वही उन्हीं से। पता नहीं क्या कर रहा है, बुला। बाबा मेहंदी के दिन ही दुल्हन गुस्सा हो गई, और आज मौसी जो एंजॉय की ना, हम लोग मौसी के साथ। अगर मेरा लहंगा नहीं आया ना, वापस से सुनाई नहीं दिया, क्या बोले आप? अगर मेरा लहंगा नहीं आया गया, गेम ओवर। ओए बड़े क्या बोल रही है, इसका लहंगा का क्या सीन है भाई? कम से कम तो लहंगा दो दिन पहले आ जाना चाहिए ना। मैं बोला था ना कल जाते हैं लहंगा लेने के लिए। मैं देखता हूँ, आ जाएगा। हंस रहा है, खुद के ड्रेस ड्रेस खुद के शेरवानी सब हो गए। मेरे कहाँ पे हुए, मेरे भी तो, मेरे को शूज लेने जाना है, कितना कुछ करना है। शूज बड़ी होती है कि लहंगा बड़ा होता है भाई? लड़की की शादी है, लहंगा महंगा होता है भाई। मैं क्या कुछ भी पहनूं? शूज भी बड़ा होता है, मेरा 11 नंबर है तो बड़ा ही है। मजाक ले रहा। अभी ले ले सो होगा क्या, एक तो मेरा साइज मिलता नहीं है। मैं लेके आऊंगा, अभी लेके आऊंगा।
कल्चर में लेकर नहीं रहेगा, लहंगा रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, लोग इसके लिए क्यूटनेस को देखने वाले, लहंगा या कल्चर में एक एक सिंपल नॉर्मल नॉर्मल अगर वैसे देखो लग रहा है प्लेट पेट के मारे या फिर जो नॉर्मल वन पीस में आने बोल रहे दुल्हन को नॉर्मल कुर्ता पजामा बोल दिया या कुर्ता पजामा पहन रहे हैं शादी में। मौसी क्या बोल रहे हैं, कुर्ता पजामा पहनने बोल रहे हैं मासी, कुर्ता पजामा पहन के शादी करो। मम्मी लहंगा ना डालो, अरे लहंगा ना डालो, हां ना डालो, एक काम करते हैं, काम करते हैं, चलिए ना कैब करते हैं, अपन दोनों चलते हैं। मैं लेके आ रहा हूं, मैं एकदम 100% लेके आ रहा हूं। 2 घंटा दूर है जहां से हम लोग रहते हैं, 2 घंटा जाने लगेगा, 2 घंटा आने लगेगा, अभी बज रहे हैं। चलिए ना, आज मेहंदी का फंक्शन खत्म, आज मेहंदी का टाइम। सही में कैसे आएगा दीपिका के साथ शादी हुई है, ये तो और एकदम तकली है एकदम। नहीं नहीं, अभी हम लोग जाते हैं, मेहंदी से पहले आपको आपके फेस पे मुस्कुराहट होगी। मैं एकदम 100% जा रहा हूँ लेने, अभी अभी अगर तेरे को नहीं मिला तो मैं अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाऊंगा। सॉरी मैं अगर इसने मेरे को लहंगा नहीं मिला ना तो हमारा कैरिकेचर बना है, उसी का कटआउट तेरे बाजू में खड़ा रहेगा, मैं रूम में रहने वाला हूँ, उससे शादी कर लेना। हाँ मैं बोल देता हूँ, हेलो अंजलि वो 3D प्रिंट निकाल लेना, बहुत बड़ा ऐसा वैल्यू का। ओके उसमें ऐसा करना कि आंखें थोड़ी ऐसी ऐसी हो रही होगी, तभी लगेगा रियल है ऐसे ऐसे। हाँ ठीक है, ओके ओके, डन है डन है, एकदम एकदम डन। जा रहा मैं जा रहा, चलो 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 चलो, आज मेहंदी है भाई, अगर मेहंदी के दिन दुल्हन गुस्सा आ गई ना तो फिर तुम्हारा खैर नहीं। मैं खा रहा हूँ, मत कर, मैंने तेरे को स्मूदी बना के पिलाया है, और खाना नहीं खा रहा, मेरा पेट भरा हुआ, और मेरे को मुझे खाना नहीं खा रहा, मैंने पोहा भी खाया है, पोहा भी खाया। अबे किसके टीम में हो गए तुम, शिव ओके चलो तो फिर हम लोग चलते हैं लहंगा लाने के लिए, चलो लहंगा लाएंगे, लहंगा लाने के लिए बाय, लेके आता हूँ अभी, मुस्कुराओ, वो रेडी कर दिया, कॉल पे बात कर दिया, बाय गाइस, इनका लहंगा लेके आके मिलता हूँ आपसे।